एनालिसिस। और बस बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बस केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना था कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा देखो बच्चा, हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि कोई भी चेंजेस होती है, कोई भी चेंज, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप रिएक्शन बोलते हो। किसी भी चेंज को ही आप क्या बोलते हो, रिएक्शन बोलते हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस होंगे और हम उनको किस तरह के रिएक्शंस का नाम देंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट्स नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स नॉट डू एटम्स डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर्स फ्रॉम एल्सवेयर। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग और अ मेकिंग ऑफ बॉन्ड। देखो, जैसे सिंपल सी बात है कि चेंजिंग अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है और किस तरह की हो रही है। तो जो केमिकल चेंजेस जो होगी बच्चा, तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो या फिर आप बोल सकते हो सबस्टांस हो, उसका अगर या तो क्या हो, दो चीज हो सकता है, या तो मेकिंग होगा और या तो ब्रेकिंग होगा। चेंजेस दो ही तरह के होंगे, या तो मेकिंग या तो ब्रेकिंग। कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें चेंजेस होगी तो किस तरह की, या तो मेकिंग होगी या तो ब्रेकिंग होगी। लेकिन मेकिंग और ब्रेकिंग जो होगी वह किसकी होगी, तो वह होगी बॉन्ड की। वह किसकी मेकिंग होगी या ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड की। और बॉन्ड कैसी, तो बॉन्ड होगी केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड होगी केमिकल बॉन्ड। जैसे बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट जो हैं जो आपके आपस में जुड़े हुए हैं किसी कंपाउंड में, बहुत सारे जो एलिमेंट हैं किसी भी कंपाउंड में बच्चा, बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, एलिमेंट्स क्या हैं, ज्वाइंट हैं या जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, टुगेदर। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं जिस चीज से, वो क्या है, हमारा केमिकल बॉन्ड है। और इसी केमिकल बॉन्ड्स की मेकिंग या ब्रेकिंग, इसी में जो चेंजेस आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, कंट्रोल। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस केमिकल रिएक्शंस में, जैसा कि आप देख सकते हो, हम अब जान चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड में मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और उस दौरान जो होने वाली जो चेंजेस है, या तो किसी बॉन्ड का मेकिंग होगा या तो ब्रेकिंग होगा, इसी चेंज को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो पहला जो हमारा रिएक्शंस है बच्चा, वह है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन है वह क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि क्या होगा, दो सबस्टांस, क्या, अब मान लो कोई सबस्टांस है, सबस्टांस ए और एक है बी, ठीक है, ये दोनों सबस्टांस बच्चा आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, ठीक। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। पहले ये ए था, ये ए और ये बी था, अलग अलग थे, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तरह से आप देखो तो बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। हमने पहले ही पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में होते क्या है, या तो बॉन्ड मेकिंग या तो बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड मेकिंग तो भाई किस तरह का बॉन्ड, तो वो हो जाएंगे केमिकल बॉन्ड। किस तरह का बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड की मेकिंग हो रही है। और ये कौन सा रिएक्शन कहला रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है बच्चा, वह वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, वाटर के साथ जब हम इसको मिक्स करते हैं, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो यह क्या बना लेता है, यह बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
साइड और इसके साथ ही कुछ हीट रिलीज करता है। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, चूना चूना पत्थर जो होता है बच्चा, उसको आप अगर पानी में आप डाल दो, ठीक है, पानी में जब आप डाल देते हो तो क्या होता है, ये बबल्स का फॉर्मेशन करता है बच्चा, बबल्स का फॉर्मेशन करता है। और इस पानी में हम लोग जल्दी हाथ नहीं डालते क्योंकि हमारा हाथ जल सकता है, इतना इसका टेम्परेचर होता है। और अक्सर ये लोग चूना का इस्तेमाल बहुत से लोग पेंटिंग वगैरह में भी, पहले के ज़माने में उसे घर की पुताई वगैरह होती थी उस समय में किया जाता था, तो चूना पत्थर को जैसे ही वो पानी में डालते थे क्या होता था, बबली फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता था। इसलिए इस चूने पानी को लगभग वो लोग 12 से 24 घंटे के लिए 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दिया करते थे बच्चा, 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दिया करते थे। और छोड़ देने के बाद क्या होता था कि आपका पानी, ये आपका चूना पानी जो है वो जितनी हीट इसकी होती थी उस हीट को क्या करता था, रिलीज कर देता था। जितनी भी हीट होती थी उसको कम्प्लीटली रिलीज कर देता था। और जब यह सॉल्यूशन जो है, यह पानी जो है, जब क्या हो जाता था, ठंडा हो जाता था, तब इसको करते थे यूज़, तब इसका यूज़ किया करते थे। यानी कि जब तक ये गर्म होता था, गर्म रहता था, तब तक हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या करा, तो कैल्शियम, अब देखो अब आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, तो आप बता सकते हो कि कुछ नहीं, इसमें भी क्या हुआ होगा, बॉन्ड की मेकिंग हुई होगी। कैसे, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा होगा और ये दोनों ने आपस में केमिकल बॉन्ड की मेकिंग की होगी, तो वो क्या बनाया होगा बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्योंकि आप और हमने सीखा था कि हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट साइड क्या है, दो है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं बच्चा, एक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ दो लगाओगे, रिएक्टेंट साइड दो ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड भी दो ऑक्सीजन, लेकिन कैल्शियम क्या हो गए, कैल्शियम इधर दो हो गए, तो आपको इधर रिएक्टेंट साइड भी आपको क्या करने पड़ेंगे, कैल्शियम के पहले टू लगाने पड़ेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन जो है हमारा बैलेंस हो गया, यानी ये CaO, ये वाला जो CaO कैसे आया, तो जब कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तब ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, और यही कैल्शियम ऑक्साइड बच्चा जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करते हो, जो पेस्ट के रूप में होता है इसमें आप और पानी ऐड करके इससे पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह क्या हो रहा है, वह आपके मिल कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, तो वाटर के साथ कंबाइन कर, और एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, क्योंकि बाकी का जो हीट तो है वो तो लूज हो जा रहा है, और हम लोग को सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। और क्योंकि इसमें जो है आप देख सकते हो कि एक रिएक्ट, इसमें जो है एक से ज़्यादा भी आपको रिएक्टेंट आपको मिल जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक से ज़्यादा सबस्टांस, या यूँ को एक नहीं बोलेंगे, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस जब एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट जो आपको फॉर्म करके दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है बच्चा कि सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस जब आपके मिलकर आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसको आप क्या बोल रहे हो, उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हो। आप इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, दो आपके रिएक्टेंट हैं, ठीक है ना। वैसे आप बोलोगे भाई ये साइड में तो रिएक्टेंट ही है, ये एक रिएक्टेंट हो गया, एक आपका सब्सट्रेट हो गया और एक रिएजेंट हो गया, तो भाई बात वही है। लेकिन आप बोल सकते हो कि अगर इसको कंप्लीट अगर एक रिएक्टेंट्स के रूप में अगर कंसिडर की जाए, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपके क्या हो रहे, आपस में मिल रहे हैं और मिलकर आपको क्या बना कर दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहे हैं। और क्योंकि दोनों रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा, हम इसको कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ अ स्लेक लाइम, यहाँ पे एक आपको बताया गया है कि किस तरह से आपका सॉल्यूशन ऑफ अ स्लेक लाइम जो है उसको वाइट क्या कहा, इज यूज फॉर अ वाइट वॉशिंग वॉल, जैसे दीवार वगैरह जो होती है ना बच्चा, उसको पूरी तरह से सफ़ेद
उसको पेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फ्रॉम अ थीन लेयर ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट्स ऑन द वॉल। और जब आप इसको जब आप क्या करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पुताई करते हो वॉल के ऊपर, तो ये आपके एयर के जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चा, उसके साथ ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके वह क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ अ हीट जो है, या यूं कहे कि इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर वो लूज हो जाता है एट द सम टाइम वो क्या होता है, वेपर बन के वह उड़ जाता है। और क्योंकि ये और क्योंकि एटमोस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और यह क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से आप आगे बात की जाए यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग्स एंड गिव शाइनी फिनिश टू वॉल्स। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। वही मैंने कहा कि जब आप चूना पत्थर को जब आप डालते हो पानी में तो वो क्या होता है, उसको काफ़ी टाइम तक आपको छोड़ना होता है, और जब आप छोड़ते हो तभी वह एक पेंट करने के लायक बन पाता है। और यही जो CaCO3 है ये आपका क्या कहलाता है बच्चा, ये है मार्बल। CaCO3 ही है वो क्या है, आपका मार्बल है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, चलो कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है इसको डिस्कस किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिल के आपस में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। आप देख सकते हैं आप रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे आप देखोगे ये रिएक्शंस जो है बच्चा वह बैलेंस नहीं है। ये भी शायद देख सकते हो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए, हाँ ये तो बैलेंस्ड है लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये ऑक्सीजन ये रिएक्शन जो है वह बैलेंस नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ से बच्चा हम हर एक रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलेंगे, देखते चलेंगे कौन सा रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, और उस रिएक्शन को अगर बैलेंस करने की ज़रूरत है तो उसे बैलेंस करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ रिएक्टेंट साइड में बच्चा ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, और कार्बन की बात करें तो कार्बन इधर साइड भी कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 1 और प्रोडक्ट साइड भी 1, यानी कि ये रिएक्शन जो है वह कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। उसी तरह से वाटर फॉर्मेशन की बात कर ले तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। अब यहाँ पे बात हुई कि भाई वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 1, यहाँ कितने, 2, चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट क्या हुआ, हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या किए, हमने इधर 2 लगा दिया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब आप देख सकते हो कि कुछ सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस या एलिमेंट्स और कंपाउंड जब आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा कि जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस आपस में मिलेंगे और मिलकर वो क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशंस करते हैं, उसी को आप क्या बोल रहे हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोल रहे हो। इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है, जैसा कि आपने देखा ऊपर वाले एग्जाम्पल में जिसमें कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया था, उसमें आपने देखा कि लॉट ऑफ हीट जो है वह क्या होता है, रिलीज होता है। तो दिस मेकर रिएक्शंस मिक्सचर वॉर्म, वो क्या करता है रिएक्शंस को मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो आपका मिक्सचर जो है वो वॉर्म रहता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग द फॉर्मेशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे बच्चा देखो हमने क्या बनाया था, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था कैल्शियम और वाटर से, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने बच्चा वाटर में हमने डिसॉल्व करा था तो यह क्या फॉर्म करा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने बनाया उस वक्त क्या हुआ था बच्चा, हीट जो है वह हमारी रिलीज हुई थी बाहर की ओर, यानी सिस्टम से बाहर की ओर हमारा हीट जो है वो रिलीज हुआ था। तो इसको क्योंकि क्या हो रहा है, रिएक्शन से बाहर की ओर हीट जो है वह रिलीज हो रहा है, तो यह हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह जो है एक तरह से हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएगा। एक्सो का मतलब होता है बच्चा, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो का मतलब होता है
आउटसाइड, ठीक है, और थर्मो का मतलब मैंने आपको बताया ही था हीट, यानी हीट का जो रिलीजिंग जो है आउटसाइड की तरफ हो तो वह क्या कहला रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहला रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैसेस, जिसमें कि मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको बच्चा, वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वह यह ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज काइंड ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कंसिस्टिंग जो कंपाउंड्स हैं, अगर आप इनको जलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रिलीज करेंगे आपके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि व्हेन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए, आपको पता है कि हम सभी को ज़रूरत होती है एनर्जी की ताकि हम जिंदा रह सकें, और इस एनर्जी को हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो फूड, इसके लिए इसको फुलफिल करने के लिए एनर्जी की जो डिमांड्स है हमारे शरीर की, इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चा, हम लोग फूड लेते हैं, और इस दौरान हम क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। देखो आप क्या करते हो, फूड को करते हो, फूड जो होता है वह, फूड जो होता है वो हमारा एक लार्ज कंपाउंड होता है, ठीक है, फूड जो है हमारा क्या होता है, लार्ज कंपाउंड होता है, इसको हमें करना होता है ब्रेक ताकि ये सिंपल फॉर्म में ये आ सके, ये क्या हो सके, सिंपल फॉर्म में आ सके, सिंपल से सिंपल फॉर्म में यह आ सके, और बाद में फिर हमें इससे क्या मिल सके, इससे हमें न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सके, चाहे वह न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो या फिर प्रोटीन के रूप में हो, ठीक है, या फिर फैट्स विटामिन मिनरल्स किसी के भी रूप में हो सकती है, ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। और यहाँ पे बात की जाए, दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ ग्लूकोज, और जब आपके क्या होते हैं कि इसी जब आपने सिंपल जब करे तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो है वही क्या होता है शरीर में हमारे टूटता है, और जैसा आप देख सकते हो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वह क्या होता है, वह ब्रोक डाउन होता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, और यही ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चा कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा टूट रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, यानी जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उस दौरान जो हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन से हमारा ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन करता है, और कंबाइन करके हमारे जो शरीर के जो सेल्स होते हैं बच्चा, उस सेल्स को यह क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, उस सेल्स को यह क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो देखो बच्चा कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चा, उसको अगर टूटना है, जैसे देखो हमने जस्ट शुरुआत में क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, बॉन्ड का मेकिंग या ब्रेकिंग होता है, किसका, केमिकल बॉन्ड का मेकिंग होगा या तो ब्रेकिंग होगा, और हमने जस्ट अभी पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा कि जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस हो, कोई कंपाउंड्स हो या एलिमेंट्स हो, जब आपस में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद जब वह एक सिंगल प्रोडक्ट्स हमें देते हैं तो वह रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और वही हमने अभी देखा कि किस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, यह हीट को रिलीज भी करता है, बहुत अमाउंट में हीट को रिलीज करता है, और क्योंकि ये अब खुद से हीट को अपने बाहर के सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में जो है वह रिलीज करता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला था। हमने कुछ और भी एग्जाम्पल देखे थे जिसमें कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, और इसी में हमने पढ़ा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है, मीथेन गैस को बर्न किया गया है, मीथेन गैस को बर्न किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या देगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी कार्बन या कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होंगे, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन,
ये हमारे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रो फॉर हाइड्रो बिलोंग्स टू हाइड्रोजन और कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन जो होंगे जब हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो वो देंगे CO2 और वाटर, वो CO2 और वाटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो मीथेन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के क्या दे रहे हैं भाई, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहे हैं। इसी में हमने बात करी थी, कोई भी लार्ज चीज़ है, लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो भी अगर सिंपल कंपाउंड में अगर टूटेंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया कि क्या हो रहा है हमारे शरीर में, जो हमें शरीर को हमारी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, कोई भी हम काम करें उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी के लिए इनको फुलफिल करने के लिए हम लोग फूड लेते हैं, और ये फूड जो होता है वह लार्ज या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, और इसको हमारा शरीर जो है उसको सिंपल फॉर्म में क्या करता है, ब्रेक करता है। तो वहाँ भी तो रिएक्शन हो रहा है ना बच्चा, वहाँ भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ चेंजेस तो वहाँ भी हो रही है, हमारे शरीर में भी चेंजेस हो रही है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारे शरीर में जो फूड कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट रहे हैं सिंपल फॉर्म में, और हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है एज अ कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ब्रेक होकर, जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है हमारे शरीर को मिलता है, और फिर जब हम ब्रीथ करते हैं उस दौरान जो हमें ऑक्सीजन जो मिलता है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके हमारे सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से ग्लूकोज जो है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिलीज करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको पता है ये देखो कार्बन हाइड्रो, ये भी हाइड्रोकार्बन है, आपके कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना ये ग्लूकोज, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी ये जाएगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिलीज करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी किसे मिलेगी, ये एनर्जी मिलेगी हमारे बॉडी के सेल्स को, ये एनर्जी मिलेगी हमारे बॉडी के सेल्स को। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, अब जो है, अब हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बच्चा देखो, जैसा कि हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वह जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन का, ये जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वह क्या होते थे, आपस में मिलते थे और मिलके क्या करते थे, नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस करते थे। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी वहाँ बनता था, वहाँ पे क्या होता था, बॉन्ड की मेकिंग होती थी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग हो जाएगी, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, खत्म, ब्रेकअप हो जाएगा इसका। ठीक है ना, सारे रिश्ते नाते खत्म, चलो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब देखो यहाँ पे इस एक्टिविटी में आप देखो कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया गया है। फेरस सल्फेट है बच्चा, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद रखेंगे FeSO4, ये रहा फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए गए हैं, ठीक है, इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिया गया है। इन द नोट कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यहाँ पे कलर को नोट करना है। देन हीट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब्स ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर, यहाँ पे आपको जो आपके बर्नर जो है इन पे रख के क्या करना है, हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ अ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग्स, हैव यू एवर नोटिस्ड द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज अ चेंज, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ अ बर्निंग सल्फर, यहाँ पे बात की जा रही है कि पहले जो था फेरस सल्फेट वो तो ग्रीन कलर का था, लेकिन जैसे आपने जब गर्म करा तो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, और तो और आपको स्मेल में भी चेंजेस आएगी, क्यों भाई, तो ऑर्डर ऑफ अ बर्निंग सल्फर, यानी कि आपके सल्फर जो बर्न जो करेंगे उनके भी स्मेल में क्या हो जाएंगे बच्चा, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो फेरस सल्फेट FeSO4, इसको क्या किया गया, हीट करा गया तो ये बनता है क्या, फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। कैसे, यहाँ पे हम रिएक्शन हम लिख के देखते हैं, यहाँ पे हम कैसे हम रिएक्शन लिखते हैं कि देखो 2FeSO4, ये रिएक्शन एक्चुअली बैलेंस्ड है बच्चा, ठीक है ना,
तो 2FeSO4 जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट करवा रहे हैं। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट की जगह हम लोग यहाँ पे डेल्टा का साइन दे देते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है हीट। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, और फेरिक ऑक्साइड के साथ ही साथ ये क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो दो तरह के सल्फर के गैसेस निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या हो गया, फेरस सल्फेट जो है यानी एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड जो है बच्चा वह ब्रेक हो रहा है किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ये क्या हो रहा है, या टूट रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन से आप ऑब्जर्व कर रहे हो सिंगल रिएक्टेंस ब्रेक डाउन इनटू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना, हम क्या लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं जो कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो हमारा फूड जो होता है हम लेते हैं वह किस फॉर्म में होता है, वह होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। लेकिन जैसे हमारे शरीर में जाता है वह क्या होता है, वह टूटता है स्मॉल पार्टिकल्स में, वह क्या होता है, वह टूटता है स्मॉल पार्टिकल्स में, वह टूटता है स्मॉल पार्टिकल्स में। और ये टूटने के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी टूटता है, जिसमें आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, फिर आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, ठीक है, और मिनरल्स हो गए। तो ये तरह तरह के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, हमारा फूड जो है वह टूट जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हो ये सिंगल कंपाउंड जो है वह आपके क्या हो गए, दो से ज़्यादा फॉर्म में ये टूट गए। तो ये क्या हो गए भाई, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि एफ ई, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है वो क्या कर रहा है, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। जैसे इस जैसे क्या किया गया, इनको हीट करा गया, इन्होंने क्या करे अपने अंदर के जो वाटर है उसको उन्होंने लूज कर दिया, जिसके कारण इसका क्रिस्टल का जो कलर है वह चेंज हो गया, और ये क्या हो गया, टूट गए किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो कि क्या है, आपका सॉलिड है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है बच्चा, आपके गैसेस फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों ने किसको कहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा हमने कहा था मार्बल को। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनता कैसे था, उसको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब पहले क्या था, पहले कैल्शियम जो है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता था, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता था। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर, ये चूना होता था जिसको हम लोग वाटर के साथ हम लोग जब रिएक्ट करवाते थे तो ये क्या बनाता था, यह बनाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, जिसमें साथ ही साथ इसमें हीट भी रिलीज होता था। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि हम दीवारों पे हम पेंट किया करते थे, यह जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में जब आता था तो क्या बनता था, ये बनता था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम लोग मार्बल भी कहते थे, ठीक है। तो यही जो है, इसको लाइमस्टोन भी हम लोग कहते हैं बच्चा। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा जब हम लोग हीट करेंगे, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा, देखो हीट के लिए हमने डेल्टा का साइन लगाया है, ठीक है, ये ट्राइंगल के साइन को हम लोग डेल्टा का साइन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको हमने क्या करा, हीट करा, तो जब हम हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यह टूट जाएगा। यानी यहाँ पे भी एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वह एक से ज्यादा प्रोडक्ट में वो क्या हो गया, सिंगल कंपाउंड जो है वो आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में वो क्या हो गया, टूट गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ भी बॉन्ड की क्या हो रही है बच्चा, ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ भी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक अदर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि हम लोग अब डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं बच्चा, तो डिकम्पोजिशन जो होता है, आपका बुक जो है क्लियरली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि हम जो पढ़ते हैं
डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन एक तरह के ही नहीं होते बल्कि तीन तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं। और तीन तरह के जो डिकम्पोजिशन है बच्चा वो कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए। वैसे आपको बुक जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। देखो हमारे जो हमारे आप नेचुरल डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो कि जो डिकम्पोजिशन होते हैं उसका एग्जाम्पल हम लोग कभी ना कभी हम लोग देखे हुए ही होते हैं। जैसे देखो फोटो डिकम्पोजिशन, जो कि फोटो का मतलब मैंने आपको बताया था, फोटो का मतलब लाइट होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिस थर्मल का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब हीट होता है। और एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, जिसमें कि भाई देखो सिचुएशन यहाँ बताई गई है, सिचुएशन क्या बताई गई है, पहला है फोटो डिकम्पोजिशन, पहला है फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब मैंने आपको बताया था लाइट, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फोटो का मतलब होता है लाइट। यानी कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड क्या हो रहा है, अगर वो ब्रेक कर रहा है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में वो टूट रहा है, सिंपल फॉर्म में वह टूट रहा है, सिंपल फॉर्म में वह टूट रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है ना, सिर्फ सब्सटेंस नहीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब आपके सिंपल सब्सटेंस में जब टूटेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसी में आते हैं, ये फोटो डिकम्पोजिशन होगा। ये थर्मल जो होंगे वो तो हीट के प्रेजेंस में होंगे ना, ये फोटो डिकम्पोजिशन होगा, यह फोटो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं थर्मल की, ठीक है। थर्मल जिसका मतलब मैंने बताया था आपको हीट, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एक सब्सटेंस जो है वो टूटेगा, एक या एक, अब मान लो यहाँ पे मैंने ए बी और सी दे दिया, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म में ये कोई भी सब्सटेंस जो है वह क्या होगा, टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ हीट, तो वह क्या कहलाएगा आपका, वह कहलाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, वह कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसमें भी वही चीज, कोई भी सब्सटेंस जो है वह ब्रेक करे एक दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अगर टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ क्योंकि हीट के प्रेजेंस में ये टूटा है, FeSO4 जो फेरस सल्फेट जो है उसको हमने जब हीट करा तब यह टूटा, तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ये क्या हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा वो भी हीट के प्रेजेंस में टूटा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, वो भी क्या हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि यहाँ पे 2 grams लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट यानी के PbNO3, ठीक है, PbNO3 के पाउडर्स को बॉइल किया गया, ठीक है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब्स अ पेयर ऑफ अ टॉंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम, इसको तब तक हीट करना है जब तक इनसे जो है वो फ्लेम ना निकलना शुरू हो जाए। वुड यू ऑब्जर्व नो डाउन द चेंजेस, इसको ऑब्जर्व करना है, देखो
क्या कहा जा रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ब्राउन कलर्स के जो फ्यूम्स जो हैं, यानी ब्राउन कलर्स के जो आपको धुएं जैसे आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, देखो निकलती हुई दिखाई दे रही है। दिस फ्यूम्स आर नोन एज अ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ये जो फ्यूम्स जो है वह क्या है, NO2 है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे PbNO3 जो है, जैसा कि लेड नाइट्रेट जो है उसको आपने क्या करा, हीट करा, और जब इसको जब हीट कर रहे हो तो ये क्या बना रहा है, ये लेड ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड बना रहा है। इसके साथ ही जो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स के रूप में निकल रहा है वह क्या निकल रहा है, वह NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और ऑक्सीजन गैसेज भी रिलीज हो रहे हैं। यानी कि यहाँ ये भी जो डिकम्पोजिशन आपका हो रहा है वह कौन सा डिकम्पोजिशन है बच्चा, तो ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब देखो कुछ और रिएक्शंस को, कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को यहाँ परफॉर्म की गई। जैसे यहाँ देखो एक प्लास्टिक मग लिया गया है, इसमें आपको क्या की गई है, ड्रिल करके इसमें कुछ होल्स किए गए हैं, इसमें कुछ रबर स्टॉपर्स जो है वो फिक्स किए गए हैं उस होल में, और उसके बाद उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स जो है वो क्या किए गए हैं, इसमें डाले गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उस इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट भी करी गई है, और इसको वाटर से फिल्ड कर दिया गया है, इस मग को वाटर से फिल्ड कर दिया गया है। देन आफ्टर दो टेस्ट ट्यूब ली गई है, जिसको कि क्या किया गया, टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन। अब देखो दो टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया, पानी से भर दिया गया और उसको इन्वर्ट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया उसमें, ठीक है। स्विच ऑन द करंट, करंट के जो स्विच है उसको क्या किया गया, ऑन कर दिया गया। देन आफ्टर आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। ये बबल्स क्या हो रहे हैं, तो दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। ये वाटर क्या कर रहे हैं, ये बबल्स क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं किसको, वाटर्स को टेस्ट ट्यूब में। अब देखो द इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कलेक्टेड इन द सेम ऑफ द बोथ टेस्ट ट्यूब, वंस ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, मूव देम केयरफुली, जस्ट ब्रिंगिंग देम बर्निंग कैंडल क्लोज टू द कैंडल क्लोज टू द ओपन टू द माउथ्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। माउथ्स आपको इसकी क्लोज कर देनी है। देन कॉशन टू स्टेप मस्ट बी केयरफुली बट, अच्छा ये आपको खुद से नहीं करनी है, ये आपके टीचर के प्रेजेंस में आपको करनी होगी। यहाँ देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करवाई ना बच्चा, तो क्या हुआ कि H2O जो है वह क्या हुआ, इसको इस पे जब आपने इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पास आउट करवाई तो ये टूट गई H2+OH- के रूप में, ये जो है वह टूट गई, और आपके जो टेस्ट ट्यूब में जो अवेलेबल जो होंगे ना वो हाइड्रोजन गैसेस होंगे। यानी कि देखो वाटर जो है, वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब ब्रेक कर रहे हो तो क्या टूट, कैसे टूट गए रहे हैं, तो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूट रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये जो है वह एग्जाम्पल रहा आपका किसका, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। ये जो है वह एग्जाम्पल रहा आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड्स ली गई है, AgCl भी बोल सकते हो आप, जनरली इसका फॉर्मूला जो है आप 2, यहाँ पे देखो इसको बैलेंस करने के इन्होंने ऐसा लिखा है। जब सिल्वर क्लोराइड्स को जब आप क्या करते हो चाइना डिशेज पे जब आप रखते हो तो उसका कलर क्या होता है, तो उस वक्त जो है ये वाइट कलर का आपका होता है, और जैसे ही आप इनको क्या करते हो सनलाइट के प्रेजेंस जब आप छोड़ देते हो तो यह क्या होते हैं, यह बिल्कुल ग्रे कलर के रूप में चेंज हो जाते हैं, ग्रे कलर में ये चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होने लगते हैं किसके, सिल्वर क्लोराइड का, जिसमें कि सिल्वर और क्लोरीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो AgCl जो है वो क्या हो रहा है, जैसे ही इसको सनलाइट के प्रेजेंस में आपने रखा ये क्या हो गया, ये Ag यानी सिल्वर और ये क्लोरीन के रूप में जो है वो अलग अलग डिकम्पोज हो गए, ठीक है। यानी कि ये AgCl यानी कि ये 2AgCl जो है, ये 2AgCl जो है बच्चा, इसको जब आप क्या करोगे तो इसको आप सनलाइट के प्रेजेंस में आप इसको रख दो, 2AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो तो ये टूट जाएगा Ag और Cl2 के रूप, ठीक है। पहले ये कैसा था वाइट कलर का था, अब सनलाइट के प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा, तो ये आपको ग्रे कलर का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो रही है वो फोटो डिकम्पोजिशन हो रही है, कौन से डिकम्पोजिशन हो रही है बच्चा, फोटो डिकम्पोजिशन। देखो आपके बुक ने एग्जाम्पल तीनों के दिए हैं, बट
उन्होंने नाम को कन्फर्म नहीं किया, इनके इस रिएक्शंस के नेम को उन्होंने कन्फर्म नहीं किया है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखने के, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि डिकम्पोजिशन कितने तरह के होते हैं। जब आपको डिकम्पोजिशन के बारे में लिखने आए तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इन तीनों को आप लिखोगे विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें बच्चा तो AZBr, इसको भी जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप क्या करते हो, रखते हो, तो ये क्या होता है, ये जो है आपके सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग, यानी अब आप यहाँ देख सकते हो द वर्ब रिएक्शन यूज्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका इस्तेमाल जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी जो होती थी बच्चा, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब हमने बहुत सारे हमने देखे रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसमें कि हमें पता चला कि इन रिएक्शंस को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। देखो हमने डिकम्पोजिशन में अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा बच्चा, कि हमारे ये जो रिएक्शन जो हैं इनको कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, इनको कंप्लीट होने के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर्ड इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये जो है वो क्या हो रही है, ये आपको चाहिए, इनको चाहिए तो, लेकिन किस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। इनको एनर्जी चाहिए थी, तब बिना एनर्जी के, बिना इन तीनों के क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल था, तो नहीं, ठीक है। चलो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। देखो बच्चा उसके पहले ये छोटा सा यहाँ पे दिया गया, सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, याद करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया करते थे। नेम द सबस्टांस, राइट द उसका फॉर्मूला भी लिखना है और नाम भी लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका नेम है, फॉर्मूला है COH। राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टांस एक्स नेम अबव द वॉटर। इसको जब आप ये जो है तुम्हारा क्या होता था, ये रिएक्शन जो, अगर ये इस सबस्टांस की अगर बात करो तो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा भाई, तो देखो क्या होता था, ये कैसे बना था। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने वाटर के साथ जब आप क्या करते थे, रिएक्ट करवाते थे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, प्लस हीट जो है वह लॉट ऑफ हीट को क्या करता था, रिलीज करता था, ठीक है। अब देखो वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर नेम्ड गैसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमने इलेक्ट्रिक वाला ये जो हमने करवाया, इसमें एक साइड में आपके बहुत सारे बबल्स जो है वह क्रिएट हो रहे हैं, दूसरे साइड में कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चा जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब वाटर आपका क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, तो वो बन रहे थे H2 plus OH minus, और जो दूसरे साइड जो स्टोर हो रहा था वह था आपका हाइड्रोजन गैस, H गैस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है बच्चा। इसमें क्या किया गया है कि तीन आयरन नेल्स दिए गए हैं और क्लीन की गई है उसको, और रब किया, क्लीन की गई है बाई रबिंग सैंड पेपर उसको रब करके उसको क्लीन कर दी गई है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, दो टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं जिसमें एक को मार्क किया गया ए और एक दूसरे को मार्क किया गया है बी। इसमें क्या हुआ कि इस टेस्ट ट्यूब में 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है बच्चा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। अब यहाँ पे टू आयरन नेल्स को क्या किया गया है, विद थ्रेड इमर्स देम केयरफुली, दोनों को, दो आपके आयरन नेल को क्या किया गया, इनमें इमर्स किया गया है थ्रेड से बांध के, और उसमें अच्छे से इसको डाला गया है। देन क्या होता है, द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज द टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 minutes, कीप वन आयरन नेल असाइड फॉर अ कंपेरिजन। कुछ को क्या किया गया है, 20 मिनट के लिए रखा गया है और उसको एक को बाहर निकाल लिया गया एज अ कंपेयर करने के लिए। तो आफ्टर 20 minutes टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब ए बी, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो क्या किया गया है, बाद में
जो आपके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस का जो कलर था उसको कंपेयर किया गया, देन आफ्टर नेल को आपके उसके कलर को क्या किया गया, कंपेयर किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयरन नेल जो थे, ये आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो उसको बाहर निकाल लिया गया था ये वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस टेस्ट ट्यूब ए, और ये जो रहा आपका बी रहा टेस्ट ट्यूब बी जो स्टैंड है, इसमें क्या रिएक्शन मिक्सचर। देखो जनरली इसमें क्या होता है, सुनो क्या किया गया कि जो आयरन नेल आपके किसके पास रहे भाई, कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन में रहा, तो वो क्या हुआ, आपने क्या डाले थे, आपने डाले थे आयरन, ठीक है, डाले किसमें थे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डाला बच्चा, तो क्या हो गया कि ये आयरन जो है वो इस सल्फेट के साथ, ये आयरन जो है वो इस सल्फेट के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड मेकिंग कर लिया, उसने क्या कर लिया, बॉन्ड मेकिंग कर लिया। लेकिन बॉन्ड मेकिंग करने के लिए पहले, सबसे पहले इस कॉपर और सल्फेट का बॉन्ड ब्रेकिंग तो होना चाहिए ना, तो ये क्या हो गया, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हुआ कॉपर में और सल्फेट में। ये कैसे टूटा, Cu+, SO4-, और ये क्या किया, ये आया और सल्फेट को ले गया, तो ये अपने आप को ये बना लिया इसने FeSO4, और ये क्या बन गया, कॉपर, ये क्या बन गया, कॉपर। तो ये आयरन सल्फेट जो है ये घुल गया आपके किसमें, सॉल्यूशन में घुल गया। पहले जो कलर था आपका, देखो जहां तक आपने इसको डीप करा था भाई, जो नेल को आपने डीप करा था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो डीप करके रख दिया आपने काफी देर तक जो रखा, तो उससे क्या हो गया, उसका कलर जो ब्लू कलर उसका चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आपने जो है आयरन नेल को आपने उसमें डुबाया, और आयरन नेल जो है वह बना लिया उसने क्या, FeSO4 बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी रिएक्शन में आयरन ने क्या किया, तो आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव द अनदर एलिमेंट्स कॉपर फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन आया, उसने कॉपर को क्या किया, रिमूव किया, और खुद उसकी जगह वो चला गया। देखो ये बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो आप जैसे कभी क्लासरूम में जैसे बैठते हो, ठीक है, तो क्लासरूम में बैठते हो तो मान लो एक बेंच पे तीन बच्चों के बैठने की जगह। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, सामने से एक बड़ा सा शैतान सा बच्चा आया, उसने क्या करा, बोला भाई तू यहाँ से हट, तो यहाँ से हट, ये जगह मेरी है, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने इस बच्चे को रिमूव कर दिया, और क्योंकि इस बच्चे ने रिमूव कर दिया, अब ये इस जगह को ऑक्यूपाइड कर लेगा, यानी उस बच्चे को रिमूव करके ये इस जगह पे आ जाएगा। बिल्कुल वही काम होता है कि ये आपका आयरन जो है उसने क्या करा, उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग करा और वह खुद जाके उसके साथ बैठ गया। यानी कि यहाँ पे पहले क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, पहले तो उसको यहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है, और फिर आके ये बंदा बैठेगा। उसी तरह से हुआ ना कि यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट का क्या हुआ, पहले तो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, देन आफ्टर आयरन और सल्फेट का बॉन्ड मेकिंग हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे देखो ZN है, जिंक है, कॉपर सल्फेट साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, देखो ZN है प्लस कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये क्या हो गया कि ZnSO4 बन गया और ये कॉपर जो है वह अलग हो गया। यानी कि यहां पे भी वही हुआ होगा, कॉपर प्लस और SO4- में टूटा होगा, और ZN ने क्या करा, इसकी जगह को इसको हटा के खुद ये इसकी जगह पे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेड है, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड है, लेड पीवी को बोलते हैं बच्चा, याद रखेंगे सिंबल, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 है, यहाँ पे क्या है, CuCl2 है, तो CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड जो है बच्चा, इसके साथ अब क्या होगा, वही चीज होगा, Cu टूटेगा, Cu+, Cl2-, यहाँ पे टूट गया। अब क्या होगा, लेड आएगा, इसको हटाएगा और इसकी जगह पे ये खुद जाके उसकी जगह को ऑक्यूपाइड कर लेगा, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा PbCl2,
और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर आपका इकलौता बच जाएगा, ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे इस तरह के आपने बहुत सारे अपने रिएक्शन देखे, इसमें आप देख रहे हो जिंक है, लेड है, ये सब क्या है, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि देखो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था कि इस बच्चे को ये बड़े वाले बच्चे ने आके हटा दिया, तो क्यों हटा दिया भाई, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा ताकतवर है, इसके बॉडी है, ठीक है ना, ये ज्यादा ताकतवर है, और ये जो बच्चा था ना एकदम पिद्दू सा था, ठीक है, तो भाई बेचारा बहुत छोटा सा था, इस आया क्योंकि ये ताकतवर था, इसने आके और इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया और इसकी जगह पे ये आके बैठ गया। इसी तरह से जेंक है, फिर आपके फेरस है, और आपके जो लेड जो हैं वो आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा, इसीलिए वो आ रहे हैं और कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पे सल्फेट के साथ बॉन्ड मेकिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर बात करें तो आपको देखो, आपको याद होगा, आपने कभी ना कभी लूडो तो जरूर खेला होगा, लूडो तो जरूर खेला होगा। लूडो में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे चार बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और खेलने वाले लोग भी क्या चार ही होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, दूसरा बंदा यहाँ बैठा हुआ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ठीक है। पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप पे देखते हो जब दोनों पार्टनर ऐसे ही साथ नहीं बैठते, दोनों पार्टनर कॉर्नर कॉर्नर बैठते, दोनों पार्टनर क्या होता है, कॉर्नर कॉर्नर बैठते, ठीक है, कुछ नहीं करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो। जस्ट देखो क्या हुआ कि यहाँ का जो पार्टनर है ना वो उठ के यहाँ आ जाए और यहाँ का पार्टनर उठ के यहाँ चला जाए, बस यहाँ का पार्टनर यहाँ और यहाँ का पार्टनर यहाँ, यानी अब ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट में, ध्यान देंगे, ये दोनों अगर ये दोनों चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो ये दोनों अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये पोजीशन को चेंज करेंगे तो फिर से तो पहले वाली स्थिति हो जाएगी ना, जब भी चेंजेस होगी तो एक ही तरफ से चेंजेस होगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 ml जो है सोडियम सल्फेट लिया जा रहा है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चा Na2SO4, ठीक है, इसको जो है क्या किया गया, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेका 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या है तो BaCl2 है बच्चा, ठीक है, इसको आप ले रहे हो, देन आफ्टर सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है वो देखो, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऑब्जर्व दैट अ वाइट सबस्टांस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है इसमें क्या होगा, आपको व्हाइट सबस्टांस बनेंगे जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, यानी वो सॉल्यूशन में वो आपके वाटर में वो मिक्स नहीं होंगे। दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म नोन एज अ प्रेसिपिटेट, और ये जो इनसॉल्युबल सबस्टांस है, याद करो हम लोगों ने पहले हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट जो है वह भी एक साइन है किसका, कि केमिकल रिएक्शंस हमारे हो रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेट का मिल गया ना, तो देखो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बच्चा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखो साफ साफ आपकी बुक कहती है कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई इनसॉल्युबल सबस्टांसिस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो जो इनसॉल्युबल इन वाटर है दैट इज योर प्रेसिपिटेट, और क्योंकि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बच्चा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो बच्चा, कि Na2SO4 यानी कि ये है सोडियम सल्फेट और ये रहा बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है, तो Na2SO4 और BaCl2 जो है वह रिएक्ट हो रहे हैं, तो रिएक्ट करके ये लोग क्या बना रहे हैं बच्चा, तो ये बना रहे हैं BaSO4 और बना रहे हैं NaCl2 देखो। अब सुनो क्या हो गया कि सबसे पहले इनके आपस के बॉन्ड जो है वो टूटेंगे किसके बीच के, देखो सोडियम और सल्फेट के बीच की पहले तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है, और यहाँ बेरियम और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और ये देखो कैसे टूटेगा, तो सोडियम टूटेगा प्लस में और सल्फेट टूटेगा माइनस में, बेरियम टूटेगा प्लस में और क्लोरीन टूटेगी माइनस में। अब देखो
हमेशा बच्चा हमेशा अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो अब आपस वाले को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ इनकी बॉन्डिंग अब क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, इनके साथ बॉन्डिंग इनके टूट चुकी है। तो अब ये सोडियम जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, माइनस चार्ज वाले क्लोरीन के साथ, और ये बेरियम जो है जो कि प्लस चार्ज वाला किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो सल्फेट जिसके पास क्या है माइनस चार्जेस है, इसीलिए BaSO4 और 2NaCl। इस तरह से ये क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ का पार्टनर उठ के यहाँ और यहाँ का पार्टनर उठ के यहाँ, एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है, ए बी है ठीक है और इधर सी डी है ठीक है। ये टूट के क्या कर रहे हैं कि ये मान लो ए टूटा प्लस में ठीक है, बी टूटा माइनस में, सी टूटा प्लस में और डी टूटा माइनस में। आप कुछ नहीं करेंगे, ए जो है वह ये सी जो है वह किस साथ बॉन्ड बना लेगा, सी के पास प्लस चार्जेस हैं और ये बी के पास माइनस चार्जेस हैं, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये ए के पास प्लस चार्जेस है और डी के पास माइनस चार्जेस है, तो ये क्या बॉन्ड बनाएंगे, यह बनाएंगे ए डी प्लस बी सी ठीक है। तो देख रहे हो ये दोनों ने क्या करा, ये दोनों भाई आपके क्या है, ये दोनों देख लो क्या कर रहे हैं अपने अपने पार्टनर को, भाई कल को भाई बी जो है वो ए के साथ हुआ करता था, अब बी जो है किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया, डी जो बेचारा कभी सी के साथ हुआ करता था अब जो है वो ए के साथ आ गया, तो यही चीज हो रही है यहाँ पे ठीक है। चल आगे बढ़ते, व्हाट कॉज दिस रिएक्शन, द व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ SO4 2- और बी। अब देखो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि जो टूट रहा है वो आयंस में टूट रहा है ठीक है, ये क्या हो रहा है आयंस में टूट रहे हैं ठीक है। कैसे टूटा कि देखो यहाँ पे क्लोरीन Cl2- में टूटेगी, और ये इसके एवज में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ते हैं बच्चा, हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे उसमें हमको पता चलेगा कि देखो बेरियम क्लोराइड जो है बच्चा यह टूटेगा ठीक है। तो ये तो माइनस में टूटेगा लेकिन ये तो माइनस में टूटेगा लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो है ना वो प्लस टू में टूटेगा ठीक है। इसी तरह से बात करें Na2SO4, ये जो है देखो यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे ये SO4 जो है वो भी 2- में टूट रहा है, वो भी क्या हो रहा है 2- में टूट रहा है, क्योंकि Na2 जो है वो प्लस में टूटा, इसके साथ ये भी जो है SO4 ये किस में टूटेगा, SO4 जो है वो 2- में टूटेगा। इसीलिए देखो ये सिंगल चार्ज वाले ये इसके साथ रिएक्ट, और ये क्योंकि इसके पास 2+ है और इसके पास 2- है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, और बाकी का जो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो बचा आप देख रहे हो कि द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, यानी बेरियम सल्फेट जो कह रहा है जो प्रेसिपिटेट के रूप में आपको बना, और सोडियम क्लोराइड जो है जो कि सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे कि आप टेबल सॉल्ट के रूप में भी आप जानते हो ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इस रिएक्शंस को, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें आप इन लोगों ने क्या करें, इन्होंने आयंस का एक्सचेंज किया, इन्होंने किसका एक्सचेंज किया, आयंस का एक्सचेंज किया इस रिएक्शंस में ठीक है। इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हो, इसीलिए आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हो। चलो बच्चा फिर हम लोग अभी रिकॉल एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि लेड नाइट्रेट को पोटैश, जैसे यहाँ क्या किया गया है, पूछा ये जा रहा है क्या तुमने कभी लेड नाइट्रेट को यानी के PbNO3 इसको क्या तुमने कभी पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करा है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki ठीक है, पूछा ये जा रहा है क्या तुमने कभी मिक्स करा है, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे देखो तुमको क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें पूछा ये जा रहा है कि प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगी उसका कलर क्या होगा, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेट उसका आपको नाम लिखना है, देन आफ्टर अगर वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, और ये पूछा ये जा रहा है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो बच्चा तो जब क्या करते हो कि जब आप लेड नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या होता है कि ये जो है वह आपके टूटेंगे ठीक है पोटेशियम प्लस में,
और आयोडाइड माइनस में, पीबी प्लस में और नाइट्रेट माइनस में, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा कि ये जो है नाइट्रेट जो है वह आपके पोटेशियम के साथ जो है वह रिएक्ट करेगा और लेड जो है वह आपकी आयोडाइड के साथ वह रिएक्ट करेगी, ठीक है। देखो लेड नाइट्रेट जो होता है बच्चा वह सॉल्युबल होता है वाटर में, वह क्या होता है, वह सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शंस क्या होंगे कि ये बन जाएगा पीबी यानी कि लेड आयोडाइड और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। देखो पोटेशियम नाइट्रेट जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है लेड आयोडाइड जो कि होता है आपका येलो कलर, जो होता है आपका येलो कलर, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस की तरफ। देखो बच्चा ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस ये दो हैं आपके, इसमें फिर हमको आगे जाके एक रिडॉक्स भी हमें पढ़ना होता है, हमें रिडॉक्स भी पढ़ना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे नहीं बताया गया लेकिन देखो क्या होता है, हम लोग इसमें रिडॉक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अलग अलग हम लोग जान लें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शंस क्या होता है। तो देखो बच्चा रिडक्शन रिडॉक्स में होते हैं आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को ऐसे कर सकते हो, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जब एडिशन हो रही है किसका, ऑक्सीजन का, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो किसी चीज का जब एडिशन होगा तो रिमूवल भी तो होगा किसी चीज का, तो रिमूवल किसका होगा, H2 का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। उसका उल्टा अगर रिडक्शंस की बात करें तो इसमें एडिशन होंगे किसके, एडिशन हो जाएंगे हाइड्रोजन के और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे कभी भी देखो क्या होगा कि हाइड्रोजन जब रिमूव होगा बच्चा, हाइड्रोजन जो रिमूव होगा कभी भी, तो हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो हाइड्रोजन इस फॉर्म में टूटता है, H+ के फॉर्म, और H+ को हम लोग बहुत जगह आप सुनोगे इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो जब कभी ये लूज होगा ना बच्चा तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी लूज होगा, तो इसके साथ बच्चा क्योंकि H+ जो है इसको प्रोटॉन बोलते हैं, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रही है, तो उस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए बच्चा इलेक्ट्रॉन का भी रिमूवल होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत जगह आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिए जाते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, ऑक्सीडेशन में, और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यानी H+ यानी कि प्रोटॉन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपकी बुक जो है वो नहीं बताती है लेकिन कभी कभी आप लोग को बोर्ड में इससे जुड़े क्वेश्चन जो है वो पूछ दिए जाते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन के बारे में अगर कहा जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सबस्टांस में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर मान लो कभी कभी कोई रिएक्शंस में जो है ऑक्सीजन के एडिशन ना देकर सीधे आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको दे दिया, ठीक है,
कोई भी सब्सटेंस है उससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो बच्चा आप ये समझोगे कि हाइड्रोजन का अगर रिमूवल हो रहा है यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट मीन कि क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह से रिडक्शन में बच्चा एडिंग हो रही है किसकी, एडिशन हो रही है किसकी, हाइड्रोजन की, और रिमूवल किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की। बहुत जगह आपको ऑक्सीजन के रिमूवल आपको क्या किए जाएंगे, सिर्फ ऑक्सीजन के रिमूवल दिखा दिए जाएंगे, हाइड्रोजन का जो है वो एडिशन नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन बच्चा क्योंकि ऑक्सीजन जो है जब वो रिमूव होगा, ऑक्सीजन जब भी रिमूव होगा तो बच्चा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जब कभी ऑक्सीजन जो है, जैसे देखो क्या होता है, याद करो हम लोगों ने इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वाटर जो है उसको हम लोग तोड़ते थे तो क्या बनता था, H+ और OH-। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि H+ जो है वो आपके क्या होता है, हम लोग के शरीर में बहुत जगह पर, बता दूँ ध्यान से सुन लो कि बहुत बार क्या होता है, ये प्रोटोन जो है हमारे शरीर में प्रोटोन पम्प चलता है, ठीक है, उसमें यह जो है प्रोटोन पम्प चलता है जिस जो कि हमारे एनर्जी में काम, एनर्जी के फॉर्मेशन में काम आता है, उसमें ये चला जाता है। लेकिन ये OH- जो है इससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या होता है, देकर जाता है। ये ऑक्सीजन जब रिलीज होता है इससे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक देकर जाता है जो कि हमें वो भी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो जब भी कभी क्या होगा, ऑक्सीजन जब रिमूव होगा किसी भी कंपाउंड से, किसी भी आप बोल सकते सब्सटेंस से, जब ऑक्सीजन जब रिमूव होगा बच्चा तो वह कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वह देकर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या की गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चाइना डिशेस को ली गई है, इसमें कॉपर पाउडर रखी गई है और इसको हीट करी गई है, ठीक है। और जब इसको हीट करी गई है बच्चा, ट्राइपॉड स्टैंड है, देखो बर्नर है, इसको जब हीट करा गया तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। वो क्या बन रहा है बच्चा, ब्लैक कलर की जो हो रहा है, देखो कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड से जो है इसका सरफेस जो है वो ढक जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया किसमें बच्चा, कॉपर में, और वह बना लिया कॉपर डाइऑक्साइड। यानी कि आपने क्या करा, कॉपर लिया, कॉपर जो था जो कि ब्राउन कलर का था उसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, और जब ये हीट किया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। और ये जो हो गया वह किस कलर का हो गया, यह हो गया आपके ब्लैक कलर का। यह किस कलर का हो गया बच्चा, ब्लैक कलर का। ये पहले था ब्राउन कलर का, ठीक है, यह पहले था ब्राउन कलर का, अब ये ब्लैक कलर का हो गया। देखो कलर में भी चेंजेस आ गई, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। याद करो हमने शुरू में ही हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिनको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि रिएक्शंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ये बन गया भाई। अब कॉपर ऑक्साइड को जब आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन जब इसमें ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉपर ऑक्साइड में जब आप हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे बच्चा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये प्योर कॉपर मिल जाएगा आपको, और ये इधर वाटर बना लेगा। देखो क्योंकि क्योंकि यहां पे देखो हाइड्रोजन खुद ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन खुद ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन ये कॉपर से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो ये कौन सा रिडक्शन हो गया बच्चा, ये कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चा, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन। और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का एडिशन जरूर हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चा, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो तो क्योंकि 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 बच्चा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, सिर्फ कॉपर बन रहा है, ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव होके सिर्फ कॉपर बन गया, तो ये क्या हो गया, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गए सो इट विल बी रिडक्शन। और क्योंकि यहाँ देख रहे हो ये H2 जो हाइड्रोजन है इसमें क्या हो गया, वो ऑक्सीजन जो निकला था ना कॉपर ऑक्साइड से वो जाके आपके हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया। अब देखो किसके साथ हो रहा है, दिस डजंट मैटर, बट ऐड हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड तो हुआ बट हाइड्रोजन के साथ जाके ऐड हुआ, लेकिन एडिशन तो हुई ना बच्चा, तो एडिशन हुई
ऑक्सीजन की, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ऑक्सीडेशन है। यानी आप देख सकते हो कि दोनों रिएक्शंस, ध्यान देना, दोनों यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों ही इस रिएक्शन में एक साथ हो रहे हैं बच्चा, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, उसी को हम लोग रिडॉक्स बोल रहे हैं। भाई यहाँ पे दिया गया है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कब बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कि एनी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हो, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ZnO जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड बच्चा बना कैसे, जिंक ऑक्साइड बना कैसे, तो जिंक को जब आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने क्या करा, आपने उसको बर्न करा, तो ये क्या बन गया, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। और ये जिंक ऑक्साइड को जब आपने कार्बन के प्रेजेंस में जब आपने रिएक्ट करवाया इस जिंक ऑक्साइड को, तो क्या हुआ, यहाँ से देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन अपनी जगह से ये हट जा रहा है, ये जिंक को छोड़ दिया, और जिंक को छोड़ दिया और ये ऑक्सीजन जाकर किससे मिल गया, ये मिल गया आपके कार्बन के साथ। तो देखो क्योंकि इसने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुआ, ये बन गया जिंक, तो यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शंस। और यहाँ देखो यहाँ कार्बन था और कार्बन जाके क्या बन गया, कार्बन में ऑक्सीजन जाके जुड़ गया और वो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वह क्या रिएक्शन हो गया, वह हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि इस एक ही रिएक्शन में बच्चा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो MnO2 कैसे बना, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 कैसे बना, तो मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चा रिएक्ट करवाया, यह बन गया MnO2, ये मैग्नीज ऑक्साइड। और ये मैग्नीज ऑक्साइड को जब आपने HCl के प्रेजेंस में, HCl क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब आपने रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, तो क्या बन गया, देख सकते हो, देखो देखो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन तो रिमूव हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देखो क्लोरीन से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और मैग्नीज से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो क्योंकि मैग्नीज से ऑक्सीजन रिमूव हो गया बच्चा, तो ये क्या हुआ, ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हो गया था, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या बना ले रहे हैं, ये क्या बना ले रहे हैं, तो ये बना ले रहे हैं MnCl2, और क्या बना ले रहे हैं, H2O, और क्या बना ले रहे हैं, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही रिएक्शन में बच्चा क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं और रिडक्शन भी हो रहे हैं। अब देखो इस रिएक्शन की अगर बात करें आप, 1.31 रिएक्शंस जो है यहाँ पे, जो है 1.31 रिएक्शंस इसके, जिंक ऑक्साइड और कार्बन की बात करें, तो इस रिएक्शन में बच्चा, इस रिएक्शन में बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जिंक ऑक्साइड्स को, देखो क्या हो रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड कब बोल रहे हो, ऑक्सीडाइज्ड कब बोल रहे हो, तो कार्बन में जब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस कार्बन को आप क्या बोल रहे हो, इस कार्बन को आप क्या बोल रहे हो, इस कार्बन को आप बोल रहे हो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, इस कार्बन को क्या बोल रहे हो, ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज्ड कार्बन बोल दे रहे हैं। आगे देखिए और क्या कह रहा है, क्योंकि देखो क्योंकि ZnO यानी जिंक ऑक्साइड से बच्चा ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये जब रिमूव हो गया बच्चा, तो ये जो है वह क्या हो गया, वह रिड्यूस्ड जिंक है, रिड्यूस्ड, ये यूं कहेंगे कि ये जिंक का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, इस जिंक का रिडक्शन हो गया है, और हम यहाँ कहेंगे कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। अब देखो उसी तरह से
उसी तरह से देखो कि HCl में क्या था, हम लोगों ने बात करी थी कि HCl जो थी, इसके बाद जो रिएक्शन हमने देखी थी उसमें HCl जो थी, HCl में क्या हो गया कि ये टूटा था, H अलग हो गया था और क्लोरीन जो है वह अलग हो गया था। और देखो तो क्योंकि H जो है वह अलग हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया बच्चा, हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, तो ये क्लोरीन क्या हो गई, ये क्लोरीन क्या हो गई, ध्यान दीजिए, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। क्यों ऑक्सीडाइज्ड भाई, ऑक्सीजन का एडिशन तो हुआ नहीं। अब देखो यही चीज जो है हम लोगों को प्रॉब्लम देती है कि अब देखो क्या होता है ना, बहुत बार मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि बच्चा बहुत बार आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन नहीं है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एडिशन कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल जरूर हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया क्लोरीन से, यानी कि ये क्लोरीन जो हो गई वो क्या हो गई, ये क्लोरीन जो है वह अपने आप में इसको बोलेंगे ये हो गई ऑक्सीडाइज्ड क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज्ड हो गई। अब यहाँ पे देखो MnO2 जो है इससे क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन जो है वह क्या हो गया, रिमूव हो गया, इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वह रिमूव हो गया। तो ये मैग्नीज जो है वह क्या है, वह रिड्यूस्ड है, वह क्या है, रिड्यूस्ड है, ठीक है ना, या यूं कहेंगे कि ये मैग्नीज जो है इसका रिडक्शन हुआ है, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यानी हम ऊपर वाले एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जब कोई सबस्टांस गेन करेगा ऑक्सीजन या लूज करेगा हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के दौरान, तो वह क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा। ठीक उसी तरह से वह सबस्टांस अगर ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है तो वह क्या कहलाएगा, वह रिड्यूस्ड कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चा? तो यही जो है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है, छोटी छोटी बातें जो है वो अगर ना पता हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट कर देती है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस ऑक्सीडेशंस रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या आपने कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के जो भी अफेक्ट्स होते हैं क्या आपने डेली लाइफ में देखे हैं? ऑब्वियसली आपने देखे हैं क्रोजन के रूप में, आपने देखा है रेंसिडिटी के रूप में। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, इसमें बहुत जगह क्या है, कुछ रिएक्शंस जो है वो आपको नहीं दिए गए हैं और वो रिएक्शंस जो है वो आपको बहुत बार पूछ दिए जाते हैं। ध्यान से समझना हमारी बात को। क्रोजन क्या होता है कि कोई भी मेटालिक सर्फेस, ध्यान देना, यहाँ पे जनरली आपको बात की जाती है, आपको बात की जाती है फेरस के बारे में बच्चा, लेकिन कोई भी मेटालिक सर्फेस है बच्चा, कोई भी मेटालिक सर्फेस, अगर उसके सर्फेस में डिप्लेशन आनी शुरू हो जाती है, अगर उसके सर्फेस में डिप्लेशन शुरू हो जाती है, या यूँ कहे कि क्रोजन क्यों बोल रहे हैं, तो क्रोजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि याद करो हमने पढ़ा था रिएक्शन में कि बॉन्ड की ब्रेकिंग या बॉन्ड की मेकिंग को ही केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो केमिकल बॉन्ड की मेकिंग होगी या तो केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो यहाँ पे बच्चा डिप्लेशन में क्या हो रही है, तो ये मेटालिक सर्फेस जो होगी बच्चा वहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड की क्या होगी बच्चा, ब्रेकिंग होगी, और जो सरफेस जो है वो पहले की तरह नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं आयरन की। देखो जब कभी हमारे यहाँ आप आसपास कभी देखते होंगे कोई आयरन प्रोडक्ट्स जो है वो नए नए जब आते हैं काफ़ी सही रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, थोड़ी मॉइस्चर गेन करने के बाद, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर गेन करने के बाद बच्चा क्या होता है कि वह जो है वो आपके अपना रिएक्शंस दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, तो देखो आप H2O और कुछ ऑक्सीजन या एयर भी आप बोल सकते हो, उसके प्रेजेंस में ये जो है वह बना लेते हैं फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना लिया। तो जो पहले आयरन प्योर हुआ करता था, अब क्या हुआ, ये प्योर नहीं रहा, ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाती है, इनमें यहीं पे हो जाती है रस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। आपने सुना होगा क्या होता है,
आपने सुना होगा आयरन में जंग लग जाते हैं, लोहे के जो भी आपके सामान होते हैं कुछ टाइम बाद वो नए नहीं रहते, उनमें जंग लग जाती है, यही रस्टिंग होती है। क्यों होती है? तो कुछ समय जब वो खुले में जब रहते हैं उनके ऊपर मॉइस्चर्स का अफेक्ट पड़ता है, आपके एयर का अफेक्ट पड़ता है, कुछ टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ता है बच्चा, तो वह आयरन जो है वो अपनी प्योरिटी जो है वह खो देता है और इस तरह से उसमें जंग लगने शुरू हो जाते हैं। पहले तो ये काफ़ी ग्रेइश कलर का रहता है, मतलब आप बोल सकते हो नॉर्मल कलर जो इसका रहता है, और बाद में ये ब्राउनिश अपियरेंस देना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके कॉपर जो होते हैं, आप घर में तांबे के जो बर्तन होते हैं बच्चा, उसकी अगर बात करें तो घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं उनमें अगर पानी अगर रख दिया जाए बहुत टाइम तक के लिए, अगर छोड़ दिया जाए उसे पानी, तो क्या होता है कुछ समय बाद उस पर जो है बच्चा वो ग्रीनिश अपीयरेंस आने लगते हैं, वो ग्रीन ग्रीन कलर के धब्बे जैसे वो आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी बच्चा, उसमें भी आपके क्या हो रहे हैं, कोरोजन हो रहे हैं। कॉपर होती है बर्तन, कॉपर की, उसमें आप क्या कर देते हो, वाटर रख देते हो। ठीक है, और क्या हुआ, कुछ एयर, मान लो CO2 हो गया या ऑक्सीजन हो गया कुछ टेम्परेचर, तो ये क्या बना लेंगे, ये कॉपर कार्बोनेट बना लेंगे। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसके आप देखोगे तांबे के बर्तन में ग्रीन कलर के स्पॉट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप बात करते हो चांदी के बर्तन जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपने सुना होगा बहुत लोगों से चांदी के बर्तन में भाई अंडे नहीं खाने चाहिए, इसलिए क्योंकि अंडे में होते हैं सल्फर। अंडे में क्या होता है बच्चा, सल्फर होता है। ठीक है, और ये सल्फर, ये वो क्यों मना करते हैं आज सुन लो रीज़न, क्योंकि जब ये AG यानी जब ये आपका सिल्वर उस सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो बना लेता है AgS, यानी कि सिल्वर सल्फाइड, यानी कि वो बना लेता है सिल्वर सल्फाइड। जो आपकी चांदी जो थी, जो कि वाइट लस्टर थी, उस पर वाइट लस्टर था भाई, काफ़ी शाइनिंग दिखता था सफ़ेद कलर का, अब वो हो जाएगा ब्लैकिश, वह काला दिखने लगेगा। ठीक है, वह काला दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जो चांदी जो रहा अब वो प्योर नहीं रहा, इम्प्योरिटी चेंज हो गई इसमें। तो आप देख सकते हो फेरस में, लोहे में, इवन कॉपर में, और आपके जो सिल्वर है उनमें, इन सब में आपको चेंजेस देखने को मिल रही है बच्चा। तो और वो हो क्यों रहा है बच्चा, तो वह सिर्फ और सिर्फ हो रहा है ऑलमोस्ट, इसमें आपके कौन कौन शामिल है बच्चा, तो कौन कौन शामिल है, तो इसमें क्या हो रहा है, इनमें जो है कोई ना कोई चीज़ आके इसमें ऐड हो जा रही है बच्चा, कोई ना कोई चीज़ आके इसमें क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। और एयर का रोल तो इसमें मस्ट है बच्चा, एयर का रोल इसमें मस्ट है बच्चा, जिस वजह से क्या हो रहा है, इनमें चेंजेस आ जा रही है, तो इससे क्या होता है बच्चा कि हमारा जो कोई भी मेटल्स जो होता है वो अपने इनिशियल पोजीशन में यानी इनिशियल स्टेट में, अब बात इनिशियल स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, मतलब समझ लो कि शुरुआती दिनों में जब आप उनको खरीद कर लाए थे बच्चा, उस समय वो कितना शाइनिंग रहा होगा, वो नहीं रहता इनिशियल पोजीशन में, वह क्या होता है, नहीं रहता है, उसमें चेंजेस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आप देखते हो, जैसे यहाँ देखो मेटल्स, यहाँ पे बोला गया है कि मेटल्स इज अटैक बाय सबस्टांसेस अराउंड इट सच एज अ मॉइस्चर एसिड्स, मॉइस्चर भी हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं बच्चा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉइस्चर्स ही अफेक्ट करेंगे, नहीं, बहुत बार एसिड्स जो है वो भी हमारे मेटल्स को क्या करते हैं बच्चा, अफेक्टेड कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप अगर पब्लिक टॉयलेट की अगर बात करो तो वहाँ पे क्या होता है, देखते हो कि जहाँ पे मेंस टॉयलेट जो होती है वो टॉयलेट पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, इसलिए क्योंकि हमारे यूरिन में एसिड पाई जाती है, हमारे यूरिन में लगभग 14% बच्चा एसिड पाई जाती है, और ये एसिड जो है वो वहाँ की आप बोल सकते हो जहाँ पे लोग जाके अपना यूरिनेशन करते हैं उस जगह को, वो 14% एसिड जो है वो उस पर अपना अफेक्ट डालती है और वो उस जगह को ख़राब कर देती है बच्चा। तो यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हो डेली लाइफ में हम लोग चेंजेस बहुत सारे देखते हैं, हमारे घर के जो दरवाजे हैं, दरवाजे का जो हैंडल है बच्चा, हमारे घर के जो ताले हैं
वो आप देखते हो जब शुरू शुरू जब आते हैं तो कितने नए होते हैं, चमकदार होते हैं, काफी सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन समय के साथ उसमें क्या हो जाती है, समय के साथ उनमें फेडिंग आनी शुरू हो जाती है, उनमें उनका जो कलर जो है वह बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहता, उनमें पहले की तरह शाइन नहीं रहती। और जो हमारे लोहे के जो गेट बन के आते हैं बच्चा, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग लोहे के गेट हो गई, खिड़कियाँ हो गई, ये सब हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट वगैरह करके रखते हैं। क्यों? ताकि उनको हम लोग बचा सके किससे, रस्टिंग से। ताकि हम लोग उसको बचा सके किससे, रस्टिंग से। घर में पूजा पाठ का जो सामान होता है तो क्या होता है, हम लोग तांबे का जो बर्तन है यूज करने के बाद उसको अच्छे से पोंछ कर रख देते हैं ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे और उसमें जो है हमारा जो तांबे का जो बर्तन है वह खराब ना हो। इसी तरह से हम लोग सिल्वर जो है, हमारे जो भी चांदी के जो बर्तन होते हैं, चांदी के जो गहने होते हैं, उनको सल्फर कंटेनिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनसे हम लोग दूर ही रखते हैं। नहीं तो हमारे जो क्या होते हैं बच्चा, हमारे जो चांदी के जो बर्तन हैं, चांदी के जो गहने हैं वह खराब हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत लोग जो चांदी के गहने वगैरह पहनते हैं तो क्या होता है उनका कुछ जगह, जैसे पैर में पायल वगैरह कोई पहनती हैं लेडीज लोग, या फिर आपके अंगूठी वगैरह पहनती हैं चांदी की, तो वो काला होने लगता है बच्चा। कुछ टाइम बाद उसका जो बीच नीचे का सर्फेस देखोगे वो काला होना शुरू हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर से हमारे पसीने में भी बच्चा कुछ ना कुछ सल्फर जो है वो मॉइस्चर के रूप में निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो इस सिल्वर को वो डिकम्पोज करते हैं, इस सिल्वर को वो उनके लेयर को वो खराब करते हैं, जिस वजह से उसमें ब्लैकिश अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बच्चा, जैसे यहाँ देख सकते हो कोरोजन से जो बहुत, जैसे कि क्या है कोरोजन काउज क्या करता है, तो कार को भी डैमेज करता है, कार बॉडीज को डैमेज कर देता है, ब्रिज को, फिर आयरन रेलिंग्स वगैरह, या इवन शिप तक को आपने सुना होगा, जैसे कि विक्रांत के बारे में आपने सुना होगा, INS विक्रांत जो है वो हम लोग का, उनके बारे में आपने सुना होगा कि वो जहाज को क्या किया गया भाई, उनको मेल्ट कर दी गई, मेल्ट करके फिर उनसे बाइक वगैरह बनाई गई। तो क्यों? क्योंकि वो जो था उसके बाकी के नीचे के जो पोर्शन थे उनमें रस्टिंग होनी शुरू हो गई थी, वो उस लायक नहीं थे, इसलिए बाकी के ऊपर का जो पार्ट था उनको मेल्ट करके फिर आपको जो है बाइक वगैरह जो है उनकी बनाई गई। तो भाई देखो, जितने भी हमारे यहाँ मेटालिक जो भी सर्फेस हैं उनमें रस्टिंग हो, उसमें क्रोजन होती है बच्चा। अगर आयरन है उसमें रस्टिंग होगी, और बाकी के लिए हम लोग क्रोजन वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो सर्फेस जो होता है, उनका जो मेटालिक सर्फेस होता है बच्चा, वो पहले की तरह जो है वो नहीं रहता। जैसे ही उन पर मॉइस्चर का कॉन्टेक्ट आए, एयर का कॉन्टेक्ट आए, या टेम्परेचर का कॉन्टेक्ट आए, जैसे ही आता है वो अपने जो भी एक्चुअल सर्फेस जो होती है उसको वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि क्रोजन से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तो क्रोजन से बचने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स वगैरह करवाते हैं, पेंट वगैरह करवा लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो जो भी मेटल सरफेस है, मेटालिक सरफेस जो है वो हमारे क्या हो, क्रोजन से बचे रहे। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं रैंसिडिटी की। रैंसिडिटी की बात बहुत सिंपल है बच्चा। कभी कभी आपने देखा होगा, आप बहुत बच्चे जो है जो कि चिप्स वगैरह खाते हैं, तो चिप्स के पैकेट जो है आप बहुत से शिकायत रहती कि यार ये चिप्स के पैकेट में क्या रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ एयर रहती है। ऐसा बात नहीं है बच्चा, बिल्कुल सही है, एयर रहती है, लेकिन इसमें भाई उनकी जो चिप्स वाले जो हैं उनकी कोई गलती नहीं है। उनमें जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए ही वो क्या करते हैं, N2 गैसेज या नाइट्रोजन गैसेज जो है बच्चा वो उसमें भरे हुए रहते हैं, वो इसलिए ताकि इसमें जो चिप्स प्रोडक्ट्स, चिप्स है या फिर जो भी आपके कुरकुरे है, जो भी स्नैक्स प्रोडक्ट्स है, वो क्या रहे, लॉन्ग टाइम तक आपके सेफ रहे। अब ध्यान दो, क्यों होता है, क्योंकि ये जो है, चाहे हमारे चिप्स हो, कुरकुरे हो, ये जो भी स्नैक्स वगैरह है, उनमें क्या रहता है बच्चा, वो ऑयल में तले हुए होते हैं, वो ऑयल में तले हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा ऑयल में तले हुए होते हैं, और जब हम इनको क्या करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि गलती से अगर कभी भी आप चिप्स के पैकेट या जो भी स्नैक्स की बात कर रहे हैं उसके पैकेट को जब आप खुले में आप छोड़ देते हो, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वो जो स्नैक्स जो है वो खाने लायक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये जो है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ये एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, और इससे क्या होता है कि ये ऑयल जो है वो एयर के कांटेक्ट में जब आ रहा है तो उसमें क्या होगी, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि किपिंग फूड एट, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि वो जैसे ही आएगी उसके टेस्ट को बच्चा चेंज कर देगी, उसके टेस्ट को चेंज कर देगी। इवन हमारा कल तक जो चिप्स जो कुरकुरा हुआ करता था वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, यानी उसकी जो क्रंच जो है वो भी खत्म हो जाएगी, उसका टेस्ट भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से बच्चा, क्यों? क्योंकि ये ऑयल जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके वो क्या कर रही है, अपने आप को चेंज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हम लोग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कोई यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड। अब देखो, नाइट्रोजन जो हमने बात करी थी ना कि नाइट्रोजन हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन हम लोग ऐड कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस जो होता है वह होता है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट।
ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट बच्चा इसलिए क्योंकि ये जो है वो आपके चिप्स पैकेट में जो ऑयल्स जो हैं उनको उनका ऑक्सीडेशन होने से बच्चा ये रोकता है, उनका ऑक्सीडेशन होने से यह रोकता है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसी तरह से बच्चा जब कभी आप देखते हो पिकल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं तो पिकल्स वगैरह में ढेर सारे नमक वगैरह ये सब डाल देते हैं, विनेगर्स वगैरह डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि उसमें जो है हमारे जो पिकल्स जो है वो लॉन्ग टाइम तक टिके रहें, लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जब पिकल टिके रहेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो भाई ऑयल अगर है तो जैसे ही आप उसके, अगर आप देखते हो घर में मम्मा भी मना करती होंगी बेटा गीले हाथों से आप अचार वगैरह मत छुआ करो, इसलिए क्योंकि मॉइस्चर अगर चला जाएगा और जरा सा उसे हीट मिल जाएगा बच्चा, जरा सा एयर मिल जाएगा बच्चा, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपका जो पिकल्स जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो है वो हम लोग उसको अपने जो फूड, जो हमारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में बच्चा बंद करके रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको मॉइस्चर से हम लोग बचा सकें। ठीक है, यहाँ पे वही आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि क्या कहता है, चिप्स के बैग है, चिप्स के पैकेट्स वगैरह है, ये सब में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रिवेंट की जाते हैं। इवन देखो आप ऐसे देख सकते हो कि आपके यहाँ अगर तेल का पैकेट भी आता है ना बच्चा, उस पर भी आप देखते हो कि उसमें भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। वो प्रिजर्वेटिव्स इसलिए भी ऐड करते हैं ताकि जो है ऑयल जो है वो हमारा लॉन्ग टाइम तक टिका रहे, उस पर एयर का टेम्परेचर का अफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर एयर और टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ेगा बच्चा तुम्हारे ऑयल का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा और वह ऑयल हमारे खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ऑयल में या जो भी ऑयल कंटेनिंग जो फूड होते हैं बच्चा उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग उसमें ऐड करते हैं ताकि हमारा फूड जो है वह लॉन्ग टाइम तक हमारे यूज़ के लिए बना रहे। आप कभी कभी देखते होगे उसमें जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो लिखी होती है, फिर आप कब तक इस्तेमाल करें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और जब आप देखते हो एक्सपायरी, अगर कोई बंदा अगर गलती से आपको एक्सपायरी डेट वाला अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है वैसे प्रोडक्ट आपको अगर दे दे तो वो उसकी टेस्ट वगैरह जो उस खाने की जो टेस्ट वगैरह है उसमें आपको बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है बच्चा। ठीक है, तो ये रही हमारी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है आपने जान लिया, क्रोजन क्या होता है ये आपने जान लिया, रेंसिडिटी को किस तरह से हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट कहते उसमें क्यों डालते हैं। अब से अगर आपसे कोई बोले कि भैया चिप्स के पैकेट में, हमारे कुरकुरे के पैकेट में बहुत सारा एयर रहता है, तो अब आपके पास जवाब है कि वो क्यों रहता है। वह सिर्फ इसलिए रहता है ताकि आपके जो फूड प्रोडक्ट्स जो है उसको लॉन्ग टाइम तक आपके खाने लायक बनाया जा सके। ठीक है, तो देखो अब ये जो हमारा पहला चैप्टर जो है बच्चा वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।